She's playing good. Currently, so she's playing amazingly. So I think so. I hope so. She wins the way she's playing now. Actually, when I started watching the show, initially I was thinking that she's not playing a game, and I still feel that she's being herself. And the way she's going, I feel. इसीलिए इतने सारे फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर सपोर्टिंग एज ब्रदर्स एंड शी इज़ कमिंग अक्रॉस नॉट बिकॉज आई एम वी आर द ब्रदर्स दैट्स व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट इट बट शी इज़ वेरी क्लोज टू विनिंग इट एक्चुअली टिल द टाइम हमें पता है सी बहुत नॉर्मल सी बात है जब दो एक्टर्स एक साथ में काम करते हैं तो उनके लिंकअप्स होना बहुत ही नॉर्मल है बिकॉज दे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज सच स्ट्रॉन्ग दैट पीपल स्टार्ट रिलेटिंग दैट दे आर कपल एंड ये कहीं ना कहीं मिसजजमेंट हो जाता था कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है या ऐसा है देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं लेकिन आई थिंक सो रश्मि एंड सिद्धार्थ आर स्मार्ट इनफ इन द हाउस दैट बिफोर दे कम आउट ऑफ द हाउस दे विल क्लेरिफाई एवरीथिंग एंड क्लियर ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश फ्रेंडशिप एंड दैट्स व्हाट हाउ मच आई कैन टेल अबाउट रश्मि एंड नॉइंग व्हाट इवन आई वुड लाइक टू से द सेम आज सच करना चाहेंगे रश्मि और सिद्धार्थ का जो रिलेशनशिप रहा है कहीं ना कहीं वो जब भी झगड़ा होता है तो यू नो वो अटक जाते हैं कुछ ना कुछ कहते हैं हाफ सेंटेंस के अंदर व्हाट अ पार्ट मीडिया नोस व्हाट हैड हैपेंड ऑन द सेट क्या क्या चीज हुई थी उससे ज्यादा ना हमें भी पता है आई नो फाइट फाइट्स के बारे में मुझे पता है आई डोंट नो मोर डिटेल्स देन दैट अच्छा रश्मि की जब भी बात आती है रूना फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री जब भी रश्मि की बात आती है तो वो बहुत इमोशनल साइड उनका बहुत बार देखने को मिला है जहाँ वो माँ को मिस कर रही है घर वालों को मिस कर रही है तो उस साइड में जाना चाहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि आपको देखना मिले या मदर को या फिर किसी और रिलेटिव को देखना मिले भांजे भतीजे को हम देख चुके हैं मुझे भी देख चुके हैं आई थिंक मॉम को भी देख चुके मॉम हैज कम आउट फॉर द इंटरव्यू एंड इवन नोस दैट शी इज नॉट वेल हाफ ऑफ द टाइम सो व्हाई नॉट इन द बिग बॉस शी इज नॉट वेल एट दैट टाइम Yeah, she's not well. She's a twice paralytic attack. आ चुका है उनको. So she's a patient. She has high diabetes also. So she's half of them at home. Or she's something or the other. She's on medicines most of the time. Certainly, उनके दुख में I think सभी लोग शामिल हैं. हम भी शामिल हैं journalists भी. At the same time, वो ऐसा क्यों होता है कि वो emotionally बहुत बार stuck हो जाती हैं. As a brother, कैसे आप उनको हिम्मत देना चाहेंगे? She's very strong. Is that she's very emotional. ऐसे अगर आप उनको कुछ भी करने बोलो, she's very strong at things. She's very strong at taking the decisions also. होता है ना एक सब लोग एक emotional part होता है, but they don't show it. जैसे चार महीने से आप देख रहे हो तो दिख जाता है वो emotional part. And यहाँ पर they start missing the family also. They start missing the people outside. So yeah, she's very emotional. अच्छा एक भाई के तौर पे कितना strong पाते हैं क्योंकि emotionally उनके बहुत ups and downs हुए हैं हम बहुत बार बिग बॉस के हाउस में दर्शक भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं जितना कुछ हुआ है जितनी पर्सनल लाइफ खोली गई आई डोंट थिंक सो इतनी रश्मि के अलावा किसी की खोली गई है इतनी पर्सनल लाइफ और फिर आप बोल रहे हो कि गेम पे कॉन्सेंट कर रहे हो तो वो गेम पे कॉन्सेंट कर रही है बाहर क्या हो रहा है उस यू नो शी इज थिंकिंग ऑल्सो अबाउट द मदर बिकॉज़ शी इज नॉट वेल तो सबके बारे में सोच सोच कि इफ शी इज स्टिल स्टक इन द गेम एंड वेरी स्ट्रॉन्गली स्टक इन द गेम सो आई फाइंड हर वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड थ्रू आउट द बिग बॉस जर्नी And the way she has stayed, you know, very gracefully she's playing the game till date. Certainly, everybody loves her a lot. Yeah. So, ma'am, Sophie, as a journalist, as a woman also, I really respect her a lot. But at the same time, Arhan ka jo bhi kuch hua hai, national channel par aa gaya hai. Kitna tough gaya hoga, bhai ke taur pe aap unko kya lagta hai? Kitna easy raha hoga ya difficult raha hoga ya impossible raha hoga? See, talking about this, just to add up to Gaurav's statement, जब आप पे कोई चीज़ बीतती है या इमोशनली हम ज़्यादा बहुत वीक होते हो तो मतलब क्या होता है कि आप अपनी दो लोगों को बात नहीं बताते हो कभी कभी आप अपने ही अंदर रखते हो वो लड़की वहाँ नेशनल टेलीविजन पर अकेली है साथ ही साथ उसे ये कंट्रोल करना है मेरे इमोशंस बांधना है क्योंकि कैमरे मेरे पे हैं साथ ही साथ वो उस बैटल से लड़ रही है कि यहाँ उसका कौन दोस्त है कौन नहीं है प्लस वो है प्लस पास्ट इशूज़ के साथ तो आई थिंक सो इट्स हैट्स ऑफ टू हर दैट शी इज़ बैलेंसिंग आउट सो मच वेन She knows that the whole India is watching her and fighting it out through that and coming out as a strong woman itself and no, we all know that women have a
मोर इमोशनल साइड दे हैव अ वेरी गुड आउट व्हेन इट कम्स टू मेन एट टाइम्स. सो आई फील दैट she's fought the battle, she's kept herself balanced, she's kept that pride dignity in the show. Aur jis tarah se wo bahar ye hafte tak pahunchi hai, I think so I genuinely feel that if I would have been at her place, I think so I would have fallen weak. And kabhi kabhi hota hai ki main ro padta shayad, aur wo rona mera khayal se at times we people think that wo rote hai to aisa lagta hai ki drama ke liye kar rahe hai, emotional side ke liye. But Rashmi is like that. Rashmi is emotional as a person, and she somewhere down the line is more a family girl when it comes to missing the family. Rashmi aur Siddharth ka jo equation raha hai, kahin na kahin lagta hai ki you know, in a way Siddharth bhi kabhi kabhi unki you know kind of he's being strong support for Rashmi. In some places yeah he has supported them. I think now they've, you know, they've settled their egos and everything. एंड आई फील जेन्यूनली कि आप एक इंसान से एक बार गुस्सा हो सकते हो. द काइंड ऑफ पर्सन रश्मि इज, रश्मि ऑल्सो फॉरगिव्स एंड लेट्स गो ऑफ थिंग्स. सो एक ही घर में पिछले 12-16 हफ्ते होने आए, तो मेरे ख्याल से एक ही घर में है, तो वो गिले शिकवे कितने दूर तक हम रख सकते हैं. तो रश्मि इज ऑल्सो जस्ट लेटिंग इट गो, एंड दैट्स व्हाट आई सेड दैट बाय द टाइम दे कम आउट ऑफ द हाउस आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी अ फ्रेश बॉन्ड एंड दे विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेंडशिप. आई थिंक इफ यू हैव सीन दैट एलिट क्लब का वीडियो, शी इज टेकिंग द मसाज एंड टॉकिंग अबाउट पीपल को कितने मौके देती है, सो आई थिंक यू विल नो हर एज अ पर्सन व्हाट शी इज आफ्टर वाचिंग दैट लिटिल बिट ऑफ क्लिप. शी लाइक शी हैज अ हैबिट ऑफ गिविंग चांसेस टू पीपल. इतना तो किसी के साथ भी नहीं होगा, इतना लाइक उसकी बात भी शी स्टैंडिंग दिस स्ट्रांग मींस आई होप सो शी इज डिजर्विंग. ओके, जिस तरह से सलमान खान उन्हें गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और कल जो अदालत हुआ रजत शर्मा का, उसमें भी उन्होंने बोला कि एक इंसान की तरह हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि बायस होकर. सो उस पर आपकी क्या राय है? जब सपोर्ट कर रहे तो डेफिनेटली रश्मि राइट होगी, तभी सपोर्ट कर रहे हैं. सलमान सर भी गाइड भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जब वो इमोशनल हो रही है उनको समझा रहे हैं. सो आई थिंक शी नोस हर एज अ पर्सन, दे हैव she's worked with him also before, so she knows how nice as a human being she is and how strong she is, and the reason she is supporting, and we are very thankful that he is supporting her. And we genuinely feel that at times people have even considered that this is fake, that this is a fake person which is coming on screen. But fake insaan ek had tak reh sakta hai, uske baad to ज़्यादा दिन तो अपने साथ भी बनावटी नहीं रह सकता. तो आई थिंक सो whatever Rashmi is getting support because that's her originality. That's Rashmi Desai, and that's what I have always kept saying from day one, ki if she cries, that's the time she's definitely feeling some pain. If she's not crying, she's not saying anything, that means she's controlling that emotion and she's not letting it out. So it's not her ego, it's not her attitude, but it's just that life mein itni sari cheeze upar niche hoti hai, aap itni sari cheeze face karte ho, that you have to keep a shield in front of you, and that's what Rashmi does. आप लड़ते कब हो लाइफ, नॉर्मल लाइफ में भी अगर मैं बात करूँ, आप लड़ते कब हो? जब आपको कोई चीज इंस्टिगेट करती है, तो एट अ टाइम हर बार ये नहीं होता कि कोई अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल जाता है या कहीं कुछ आपको कोई पोक कर जाता है, तो इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग फीलिंग दैट आप जस्ट बोल देते हो उसे. तो एज एन एक्टर वो ह्यूमन बीइंग भी तो है, मतलब कि अब एक्टर हमेशा हमारे साथ लेबल रहता है कि हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बट हम एक साधारण आदमी हैं, मतलब वी हैव टू, मतलब वी विल स्पीक आवर हार्ट आउट एट टाइम्स. कभी ये टेंशन नहीं होता बाहर जाके हमारे विश्व तक पहुंचे, बिकॉज़ रिसेंटली व्हेन आई स्पोक टू हिना पांची सर की बहुत सारी चीजें हुई बाहर आके, मुझे टाइम लगा लेकिन मैंने अपने नेगेटिविटी को हटाया भी है. तो ऐसा होता है, मतलब डू यू थिंक एज एक्टर को टेंशन होता होगा? नहीं, इट्स सी एज एन एक्टर देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक फिगर, यू पीपल लुक अप टू यू एट टाइम्स, देयर आर फैंस हु लुक अप टू यू. So it is a responsibility to know what to speak, what not to speak, and to use the right words, because कहीं ना कहीं जब हम shows करते हैं, characters करते हैं, तो families imagine करती हैं, अरे वाह ये कितना अच्छा लड़का है. So they have a image of us.
So we are only building that image, and we only spoil it when we are out, and we don't take a responsibility of the words and our attitude. Then definitely, that's the side effects of being an actor. Okay, being brothers, are you guys really thankful to Big Boss ki Rashmi aur Arman ka jo relationship tha, it's coming to an end finally, and Rashmi ki samne sari sachchai bhi aa gayi hai Arman. Yeah, that in that way I'm very thankful Big Boss, because this to even we didn't know. I met Arhan I think twice before, like after Big Boss. Even I didn't know about so much things. मुझे तो लगा रश्मि को इतना भी नहीं पता. This is the bigger shock for me. But yeah, in that sense we are thankful to Big Boss. And finally she said no. मानते हैं कि ये चीजें Big Boss में या पूरे national TV पे सामने नहीं आनी चाहिए थी. शायद personal level पे काफी चीजें sort out हो सकती थी. ऐसा कुछ? I genuinely feel that जो आपने पॉइंट कहा है डेफिनेटली ये मेरा सोचना था कि ये पहले फैमिली के बीच में सॉल्व होनी चाहिए थी. एज ब्रदर्स वी शुड हैव नोन अबाउट इट, बट नथिंग अगेंस्ट रश्मि, बिकॉज टुडे व्हाट एज ब्रदर्स वी फील दैट रश्मि हैज टेकन अ स्टैंड, एंड दैट्स व्हाट एवरी ब्रदर वांट्स, दैट लाइफ में हमारी बहन कहाँ कहीं जहाँ कहीं भी हो, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, शी नोज व्हाट शी वांट्स, एंड शी टेक्स द स्टैंड फॉर द राइट, एंड एज ब्रदर्स वी फील दैट शी इज टेकन द राइट स्टैंड नाउ. रश्मि की अगर बात करूँ घर के अंदर तो सबसे दोस्ती करके रहती है और फ्रेंड बनाने को जैसे सना को एकदम बच्चे की तरह यू नो समझाती है. यस, और देखा जाए तो जब उनके फ्रेंड की बात आती है कोई उनका फ्रेंड नहीं बनता है जेन्युइन तरीके से. That's the मतलब वो because everyone are playing game and that also very badly. Like मतलब जब भी anyone has that true friendship, how Rashmi keeps the friendship. How are you talking about that? No one keeps the best friendship like the way Rashmi keeps it, and she supports but me that the time of need. But Gaurav, I feel that is again that's individual's choice. Game, matlab, yeah. That's what Rashmi is. She will always stand for the person. She'll always take care of the friendship. But if the opposite person doesn't do it, that's what her persona is, that she will not expect, but she will keep doing. Okay, so Gaurav, Big Boss tera ki baat kare to हिंदुस्तान में तो टीआरपी के मामले में धमाल मचा रहा है. इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि जॉन सीना ने आसिम के पोस्ट डाले, फोटो डाले, और साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस ने अपने ऑफिशियल पेज पे मेंशन किया सरदार शुक्ला और आसिम को, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो मच डिटेल अबाउट इट, सॉरी. नो बट आई हैव गॉन थ्रू द पोस्ट एंड आई फील इंटरनेशनल सपोर्ट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस 13 इज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर द चैनल ऑल्सो एंड फॉर द कंटेस्टेंट ऑल्सो, एंड दिस प्रूव्स दैट it's not only famous in India but globally people are loving the content, and it's reaching on another scale. So great support for Siddharth and Naseem, and I feel genuinely happy that international players are coming in to support. Certainly, ye jo Big Boss hai, Big Brother aur wo sab pura group hai, to certainly ek support milna lazmi hai. Aapko nahi lagta ki 13 mein mila pehle mil jana chahiye tha ye support? Nahi, but again every show has a destiny. I feel with 13 this had to come. And at times we feel that the show is losing out charm, but 13 has got back that charm and it's got back into that game of numbers, and it's reached where the channel was wishing to reach from last few years. अच्छा गौरव, at the same time आपसे ये जानना चाहूँगी कि रश्मि ने बोला था कि बचपन में जब लक्ष्मी आई थी तब उन्होंने छपा के प्रमोशन की, तो उन्होंने बोला था कि बचपन एक वो मौका भी आया था when I tried to commit suicide, तो उनको लगता था कि she is not appreciated as a human being in the family. मेरे पहले कोई पैम्पर्ड हो तो वो रश्मि है इन द हाउस, लाइक शी इज द मोस्ट पैम्पर्ड. बट वो आज भी उस पूरे पैच को भूली नहीं. हाउ विल यू हेल्प हर टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन? वी नेवर हैड अ वर्ड अबाउट दिस टॉपिक, सो व्हेन शी इज आउट वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, सिंस वी आर मीटिंग यू गाइस, ऐसी जो खबरें आ रही थी कि अरहान के पास रश्मि के घर की चाबी है और रश्मि के अकाउंट्स को वो ऑपरेट करते हैं, इन सभी बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आई डिडंट नो अबाउट इट. But I feel that this are only the talks, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ बातें होती है उस चीज़ की. मतलब हमें कैसे, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपको पता है, क्या आपने उसे कभी चेक इशू करते हुए देखा, क्या आपने उनके सिग्नेचर्स देखे, क्या आपने कभी, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हम किसी चीज़ का प्रूव नहीं कर सकते. चाबी की बात तो उसने खुद ही बोली थी कि मैंने खुद नहीं दी थी, तो वी कैन इवन कमेंट ऑन दैट. 15 को फिनाले है, सो आप दोनों को टॉप 3 क्या लगता है कि कौन होंगे? I definitely feel it's Siddharth, Rashmi and Asmi. I would like Siddharth, Sana and Rashmi. Why Sana and why? I like Sana. I've already said before that Sana is my best. Like Sana. I love her the way she's entertaining. Okay, Sana के साथ जो bonding है Rashmi का या फिर Asim के साथ जो bonding है Rashmi का, दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद आता है?
See, Sana, she treats her like me. So, and Asim, they have a good friendship. So, I like both the things. Both the things are very different. And she never expects anything from Sana. She just helps whatever she needs. She just helps her out whatever she needs. Jaise usne bola ki milegi ye mangwa ke de diya, wo mangwa. She helps her because she treats her like me. She sees me in her, Sana. और जो बीच बीच में वो चाय चोरी करके रख लेती हैं, पहले ही छुपा कर रख लेती हैं, शी लाइक दैट एट होम आल्सो, वो ऐसे परेशान करती है बिल्कुल भी नहीं, वो बचाने की कोशिश करती है, उसका बात नहीं आ रहे हैं, एंड चाय उसकी फेवरेट है, शी इज द चाय, शी इज द मॉर्निंग टी, हां शी नीड्स चाय थ्रू आउट द डे, सो उस वजह से भी करती होगी. थैंक यू सो मच. रश्मि के लिए एक विश. ए बेन घरे नहीं आए वो, सॉरी आई कुडंट कम इनसाइड द हाउस, बट आई एम सीइंग यू एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एज अ ब्रदर. वॉज अपसेट विथ यू बट यू स्टूड लाइक अ वॉरियर. यू हैव देयर बीन देयर सर्वाइव्ड दिस मच, यू हैव रीच्ड टिल हियर एंड दैट्स द साइन दैट यू आर गोइंग टू मेक इट टिल द ट्रॉफी. एंड आई एज अ ब्रदर एंड गौरव एज अ ब्रदर विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस for that first hug. And tu best hai the way you are, that's why we both love you. And no matter what anybody says, we are there for you and we love you and we are waiting for you with the trophy. Very happy birthday. I hope so audience aapko as a birthday gift wo Big Boss 13 ki trophy de de, which you deserve fully, I feel. And the way you have stood up throughout the season, you know that you are my inspiration. But main kitna close hu aapse. So I just feel happy, you know, a very happy birthday, and we'll be waiting for you outside once you're out. We'll be standing for you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.